तो एक अगला आदमी के साल बाद बोलना सीखा उसको बोलेंगे नहीं। एक कोई सवाल लेंगे और ग्रेट वन चलो भाई। सवाल आई मीन रिस्क लगा रहे सर, बहुत बढ़िया चलो भाई। ओके, यू हैव डन मल्टी स्टारर मूवीज इन द पास्ट और लीड भी आप कर चुके हैं टीवी पर भी, अदरवाइज भी फिर से आप लीड कर रहे हैं, तो व्हाट इज योर प्रेफरेंस? डू यू लाइक, डू यू प्रेफर टू वर्क इन मल्टी स्टारर्स और डू यू प्रेफर टू वर्क एज अ लीड? देखिए, इसे दो आस्तक होता है मैं किसी को बता सकती हूं जिंदगी के। अगर आप बातें भी से कम करेंगे, अपनी खुशबू बंद करेंगे तो बोलूंगा। अरे आप देखिए, मैं क्लासरूम में आ गया हूँ, मैं टीचर हूँ, पीछे कुछ बच्चे ऐसे कोने में कुछ कुछ बातें कर रहे हैं। टिफिन में क्या लाया, टिफिन में क्या लाया, जैसे आप लोगों ने खाना खा लिया, टिफिन की बातें ना करें, मेरी बात सुन लीजिए 5 मिनट। तो एज एन एक्टर, छोटा सा 3 मिनट का किस्सा है। मैं टीवी करता था, नंबर वन शो का हीरो था मैं, सात तरह से देखा होगा, बच्चों लोगों ने नहीं देखा होगा, बड़े लोगों ने देखा होगा सर। लेकिन मैं हीरो था, शो का नंबर वन शो था, अवार्ड सेरेमनी हुई, मुझे ना नॉमिनेशन ना, मतलब अवार्ड तो भूल गया, नॉमिनेशन नहीं। तो मैंने बड़ी शिकायत से अपनी जो चैनल एडिशन को बोला, मैंने कहा यार ये क्या मतलब है यार, मैं हीरो शो का है, हीरोइन को अवार्ड मिल रहा है, मेरे को कुछ नहीं मिलता है, नॉमिनेशन भी नहीं मिलता। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, मुझसे बोली कि तुम स्टार बनना चाहते हो? मैंने कहा यार कोई भी आता है मुंबई तो स्टार ही बनना चाहता है। उन्होंने अच्छी बात कही कि तारा जो है ना वो टूट जाता है, कलाकार हमेशा रहता है। तो मैंने सोचा कि कलाकार बनूं, और वही कोशिश है मल्टी हीरो मल्टी कास्ट फिल्म हो या सिंगल हो या कैसी हो, काम कैसा करने को मिल रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसमें मैं क्या कर सकता हूँ वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, रादर देन कि कौन है फिल्म में, कैसा है, क्या है। कहानी अच्छी होनी चाहिए, मुझे अच्छा काम करने को मिले, थोड़ी इज्जत मिले, बस। चलो इस दुनिया को दिखा दे 300 उल्टी खोपड़ी के मराठे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, और आगे माफी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया, थक गया है आदमी। बट बहुत अजीब सा लग रहा है, पहले से बताऊँ मुझे कि मैं कई बार दिल्ली आया हूँ, कई बार ऐसे आप लोगों से मिला हूँ, कोई ना कोई हमेशा बाजू में होता था जो जिसको हम सपोर्ट कर रहे होते थे। आज अकेला बैठा हूँ, बहुत अजीब लग रहा है, बट एक अलग फीलिंग है, और आप लोग हैं सब लोग तो शायद बयान भी कर सकता हूँ। एक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है, स्पेशली आज के टाइम पर। हम सब जो नॉर्थ में रहते हैं, मैं भी नॉर्थ में बड़ा बड़ा हूँ, ग्वालियर से हूँ, छत्तीसगढ़ की पैदाइश में, और कहीं ना कहीं हमारी टेक्स्ट बुक में ना, जब आप हिस्ट्री की बात करते हैं तो एक चैप्टर होता है छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, बस उतना ही होता है, उसके अलावा ज़्यादा किसी ने पढ़ा नहीं है। जो अध्ययन करता है शायद उसने किया, अदरवाइज नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए तो ज़्यादा होता नहीं है। अलग अलग वीरों की अलग अलग कहानियाँ होती हैं। मैं जब मुंबई पहुँचा 20 साल पहले, फिर समझना शुरू किया यार यहाँ महाराष्ट्र में सब छत्रपति शिवाजी महाराज को भगवान क्यों मानते हैं, या उनके लिए भगवान जैसे क्यों है। उनकी कहानियां पढ़ना शुरू की, उनके बारे में जानना शुरू किया। समझना बहुत मुश्किल है उनको, लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि एक आदमी का विचार उनके जाने के कई 100 सालों तक भी लोगों को प्रोत्साहित करता रहा स्वराज्य के लिए। सोचिए कितनी बड़ी बात होगी कि एक 50 साल के जीवन काल में उन्होंने वो किया तो आज तक हम सबको इंस्पायर कर रहा है स्वराज्य के लिए। तो बहुत अथाह है वो इतिहास जिसको ना सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश भर में बताना जताना बहुत जरूरी था। तो एक कोशिश की है हर हर महादेव के माध्यम से, और हर हर महादेव एक ऐसा नारा है, ऐसा स्लोगन है जो शायद पूरे हिंदुस्तान में बड़े जोश के साथ बोला जाता है, सही है ना? ऐसे कोई नहीं हो जिन्हें हर हर महादेव नहीं पता हो या ये क्या है। तो कहीं ना कहीं उसका सबके अंदर एक भावना वो है हर हर महादेव की। जहां भी आप जोश दिखाना चाहते हैं वहां हर हर महादेव बोलते हैं, मराठा रेजिमेंट का स्लोगन है हर हर महादेव। तो कहीं ना कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज की एक सोच जो लोगों के अंदर जोश जगाती है स्वराज्य के लिए, उसकी कहानी है हर हर महादेव। उनके कई सारे सेनापति रहे, कई सारे साथीदार रहे, उनमें से एक थे बाजी प्रभु देशपांडे जी। उनकी हमने कहानी चुनी है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे
लेयर्स हैं, बहुत सारी बातें हैं जो लोगों को नहीं पता है, और वो इतिहास है जो लोगों को जानना बहुत जरूरी है। ये उस समय की बात है जब छत्रपति शिवाजी महाराज महाराज भी नहीं बने थे और छत्रपति भी नहीं, वो शिवाजी शाहजी भोसले थे। एक सोच थे जो 350 सालों से गुलामी की जंजीरों में बंधे लोगों को जगाना चाहते थे स्वराज्य के लिए। क्योंकि आप देखिए ना, आप खुद अभी आप अगर 1 घंटा बैठेंगे यहाँ पर तो उठने की कोशिश करेंगे तो पैर थोड़ा सुन्न हो चुका होगा, शायद उठने के लिए कष्ट करने पड़ेंगे। ऐसे ही वो लोग थे जो 350 सालों से बस जी रहे थे अपने ही गाँव में, अपने इलाकों में, कि भाई मेरा परिवार है, मेरा कुनबा है, मेरा एक कुछ गाँव का एरिया है जहाँ मैं खुश हूँ, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे टैक्स देना है, कर देना है, ठीक है, जैसा है वैसा चल रहा है, जो आज हमारी स्थिति भी है, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। तो किसी को परिवर्तन की ना इच्छा थी, ना कोई इरादा था, ना कोई जोश था। वहाँ एक ऐसा व्यक्ति आता है जो बोलता ही नहीं हमें स्वराज्य चाहिए, तो सबसे पहले क्या होगा, उससे विरोध किया जाएगा कि वही क्यों अच्छे खासे बैठे हैं, जी रहे हैं, क्या जरूरत है, क्यों है तुम्हारे लिए यार, हम ठीक है अपने जगह पर यार, परिवार है, बच्चा बीवी सब ठीक है, हमें अपना परिवार देखना है, हमें कुछ और नहीं देखना। तो ऐसे ही एक किरदार थे बाजीप्रभु देशपांडे, दे। बहुत वीर थे, महायोद्धा थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो बंधे हुए थे अपने उस छोटे से एक एरिया में, मुझे यहीं ठीक हूँ, मुझे क्या करना है। फिर शिवाजी महाराज ने उन्हें वो समझाया जो आज हर हिंदुस्तानी को समझने की जरूरत है, स्वराज्य की वैल्यू, स्वराज्य की जो कीमत है वो उन्हें समझाई गई। और फिर कैसे उन्होंने महाराज का साथ दिया, और हमने एक फिल्म देखी है 300, शायद बहुत लोगों ने देखी होगी, उसके बारे में कोई तथ्य है कि मुझे पता नहीं है, शायद नहीं है कोई तथ्य, इट्स कैन बी फिक्शनल, बट इस कहानी के तथ्य और सारे प्रूफ्स हैं कि 300 मावड़ों ने, जिनका नेतृत्व बाजी प्रभु देशपांडे ने किया, उन्होंने एक घाटी के अंदर 12,000 सिद्धि के सैनिकों को जो मुगलों के साथ थे उन्हें रात भर रोक के रखा ताकि छत्रपति शिवाजी महाराज विशालगढ़ के किले पर पहुंचे और उस पर फतेह करें। ये कहानी है। हम सब जानते हैं जब भी हम पीरियड फिल्मों की बात करते हैं तो एक कॉन्टेक्स्ट आता है, ये वॉर फिल्म होगी, बड़ा युद्ध होगा बड़ा सा, और ऐसा वो तो चलिए है फिल्म के अंदर, बट एक कहानी है उस संवाद की, उस विचार की जो छत्रपति शिवाजी महाराज बाजी प्रभु देशपांडे जी के माध्यम से अपने सारे मावड़ों को, मावड़े बोलते हैं हम लोग जो उनके अनुयायी हैं, जो उस एरिया के लोग हैं, जो उस पूरी जनता को देना चाहते हैं। तो ये फिल्म उस विचार के बारे में है जो कि है हर हर महादेव। तो नमस्कार इन दोनों ही चरित्रों को जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया। मैं आपसे जानना चाहूंगा, मेरा जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि जो आप किरदार कर रहे हैं ऐसे महान सेनानी का, और जो छत्रपति शिवाजी महाराज, आपकी फिल्म के माध्यम से इन दोनों किरदार से हमारे जो दर्शक नहीं जानते हैं उन्हें क्या सीखने को मिले। और एक दूसरा सवाल है कि ये जो पहाड़ दिख रहे हैं, ये जो दर्रे हैं विशाल, उनके बीच में जो शूटिंग किया उसमें कितनी कठिनाइयां कितनी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा, अधिकांश लोग कई बार सिर्फ शिवाजी बोलते हैं, कोई छत्रपति शिवाजी महाराज पूरा नाम लेता नहीं है क्योंकि वो जानते नहीं है उनके बारे में, वो कौन थे, उन्होंने क्या किया इस देश के लिए। कई सारे आपने देखे होंगे इंस्टाग्राम पर ऐसे पेजेस आते हैं जहाँ हिंदुस्तान के नक्शे में हर तरफ ग्रीन होता है और फिर शिवाजी महाराज का एक विजुअल आता है और वो पूरा ग्रीन एक भगवे में तब्दील हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उस सोच का परिणाम है जो उन्होंने लोगों के अंदर जगाई, जो दबे हुए थे अपने ही जिंदगी में, जूझ रहे थे, कुछ उद्देश्य नहीं था जिंदगी में कि क्या करना है या कुछ ऐसा कुछ करना है जिंदगी में, वो सिर्फ एक व्यक्ति का विचार था कि नहीं मुझे इस परिस्थिति से आज़ादी चाहिए, मुझे स्वराज्य चाहिए। उनका विचार शायद किसी को नहीं पता होगा, कहानियां बताऊंगी कुछ, स्पेशली जो हमारी जनरेशन है, हमारे बाद वाली जो जनरेशन आने वाली है उन्हें तो शायद बिल्कुल भी नहीं पता होगा, कि उन्हें शायद
जोजो सिवा और बीटीएस पता होंगे, लेकिन या विदेशी कोई ऐसा इतिहास होगा, पर्शियन या फ्रेंच या ऐसा कुछ इतिहास शायद ज्यादा पता होगा, बनिस्बत की उन्हें हिंदुस्तानी इतिहास पता होना चाहिए। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें उसके बारे में बताएं और सही तरीके से बताएं। तानाजी एक फिल्म थी जो सबने देखी, तो बहुत पसंद आई। पसंद कई कई वजह से आई, कितने लोगों ने अपने बच्चों को ये सही वजह बताई है वो मुझे नहीं पता। हमने कोशिश की थी कि हम सही वजह बताएं कि महाराज के विचार क्या थे। आपने अगर देखी होगी फिल्म तो उसमें कई जगह उनके डायलॉग्स से उन्हें समझने की कोशिश की जाए तो समझ में आएगा कि उनके विचार क्या है। कि राजा के लिए सैनिक मरते ही है, लेकिन एक छोटे से सैनिक के लिए मरने वाला राजा पहली बार देखा जिसने। वो एक मेव राजा है पूरी दुनिया में जो ऐसा था। नॉर्मली राजा हमेशा अपने सिपाहियों को आगे कर देते, महाराज एक ऐसे राजा थे जो अपने एक सिपाही के लिए आधी रोटी खाकर वो 6 महीने रहे एक पहाड़ के ऊपर, एक किले के ऊपर रोज सतकोर कहते हैं हमारे, मतलब चौथाई रोटी खाकर वो इतने उन्होंने समय काटा ताकि उनके सैनिकों को खाना मिल सके। उस दर्रे के बाहर भी वो रुकने को तैयार थे ये कहकर कि नहीं, अगर उनको शिवाजी चाहिए तो शिवाजी मिलेगा, हम लोग चाहिए। इस तरह का राजा कभी किसी ने देखा नहीं, ना कभी हुआ ना कभी होगा। और ये इतिहास हमारे फ्यूचर जनरेशन को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक ऑडियो विजुअल मीडियम या एक फिल्म का मीडियम सबसे ज्यादा इजी है और एंटरटेनिंग भी है मेरे ख्याल से, क्योंकि आपको विजुअली और आपको टेक्निक इतनी बढ़ चुकी है कि हम उनको विजुअली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या हुआ था उस टाइम पे, क्या परिस्थिति होगी, कैसी कठिनाइयां होंगी जहां ये सारी घटनाएं सारा इतिहास रचा गया है। दूसरा सवाल है कि इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों के बीच में शूट करने में क्या दिक्कतें आई, और ये दिक्कतें ये है कि सर आज तभी सीढ़ी चढ़ने में दुखता है घुटना। नहीं, बहुत सारी घटनाएं थी, बिकॉज हमारे डायरेक्टर हैं अभिजीत देशपांडे, उनके बारे में ये कहना चाहूंगा। उन्होंने इससे पहले एक फिल्म की थी आनी काशीनाथ घाणेकर, बहुत बड़े मराठी एक्टर थे, उनकी बायोपिक थी जो सुबोध भावे जी ने की थी। सुबोध भावे जी ने और जो हमारे प्रोड्यूसर हैं सुनील फड़कर, इस फिल्म के भी प्रोड्यूसर वही हैं, इन दोनों ने कसम खाई थी कि हम अभिजीत देशपांडे के साथ दोबारा काम नहीं करेंगे। इतना जिद्दी, इतना ज्यादा परफेक्शनिस्ट आदमी है, एक बार आप रिटेड हो जाते हैं यार क्या करवा रहे हो यार, मतलब ये कोई जगह शूट करने की, मतलब यहाँ आदमी मतलब चिड़िया नहीं पहुंच पा रही है तो मुझे बोल रहे हो चल के वहां चढ़ेंगे ऊपर और शूट करेंगे। तो ऐसा वो एक आदमी है जो बहुत जिद्दी है, उसका उसकी पढ़ाई बहुत ज्यादा है, 9 साल से वो इस फिल्म पर रिसर्च कर रहे हैं। जब वो फिल्म देखेगी ये मेरा वादा है आपसे, तो एक ऐसे आदमी के साथ काम करना जो दिन रात नहीं सोचता है, वो पाताल आसमान नहीं सोचता है, कितना कठिन रहा होगा हमारे लिए, और वो कितना अच्छा है इसका परिणाम, इसका उल्लेख यह है कि वो जो दोनों थे, जो प्रोड्यूसर सुनील फड़तरे और सुबोध भावे, वो दोनों इस फिल्म का हिस्सा है। वही प्रोड्यूसर है तो वही सुबोध भावे इस फिल्म में भी है, क्योंकि जब आप एंड रिजल्ट देखते हैं तो जितनी कठिनाइयां, जितने कष्ट, जितने लड़ाई झगड़े हुए होंगे वो सब एक तरफ होते हैं और एक अच्छी फिल्म एक तरफ होती है। तो हर कलाकार की भूख वही होती है जो एक डायरेक्टर उसके अंदर से निकाल पाए अच्छा काम। कष्ट ये है कि अभी भी जाता हूँ फिजियोथेरेपी के लिए, 1.5 साल बाद भी अभी भी जाना ड्यू है, बहुत सारी इंजरीज हैं, बहुत सारी कठिनाइयां, और तभी वो ऑथेंटिक दिखता है। अगर आप चाहे वो घुड़सवारी के शॉट देखें, चाहे वो आप एक किले के ऊपर लड़ाई का सीन देखें, वो जो फिल्म देखेंगे आप, एक चीज कहना चाहूंगा इस फिल्म के बारे में, लोग नॉर्मली मराठी सिनेमा को चूंकि है लिमिटेशन भी है, मैं नहीं मानता हूँ कि नहीं है, कॉन्टेंट सबने बोला है आज तक कि बहुत अच्छा होता है, कहानियां बहुत अच्छी होती हैं, एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, तो कहाँ कम पड़ते हैं। वो है हमारा स्केल, हमारा ग्रैंड्योर, हमारा एक विजुअल जो हमेशा लोगों को थोड़ा सा निराश करता रहा है, मैं मानता हूँ उस चीज। जब ये फिल्म मेरे पास आई थी बिकॉज 2020 में तानाजी दंसन वॉरियर आई थी और मैंने उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल किया था, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत माना, कई जगह पोस्टर लगाए जाते थे, और एक एक्सेप्टेंस होती है किसी कलाकार के लिए कि हाँ इस भूमिका में ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, चल रहे हैं, अच्छा काम किया है। उसके बाद क्या हुआ, कई सारी फिल्में लोग डिजाइन करते हैं छोटी बड़ी, और हर कोई आदमी मेरे पास आता था और बोलता था कि हमारी फिल्म है उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज, सिर्फ 4 दिन का काम है आप करेंगे कैसे,
ना किसी भी फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज का काम चार दिन का नहीं हो सकता अगर उनके समय की कहानी है। और क्या आप लोग उसे चित्रीकरण कर पाएंगे उस कहानी को, क्या आप उस तरह चित्रीकरण कर पाएंगे, क्या आप उस तरह से उनकी भव्यता दिखा पाएंगे, किसी के पास जवाब नहीं। फिर एक दिन अभिजीत देशपांडे जी आए, हम एक फिल्म बहुत पहले करने वाले थे, वो हो नहीं रही थी, तो मुझे लगा शायद क्या कर रहे हैं, बोले कुछ पीरियड फिल्म बना रहे हैं। तो मेरे पास आया और चश्मा लगा था, हाँ शरद मैं एक ऐतिहासिक फिल्म बना रहा हूँ महाराज के टाइम। तो मुझे पता था कि अगला यही सवाल आएगा कि क्या तुम छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल करोगे, मैं तैयार था कि अब मैं बना कर दूंगा। उसने से पूछा मैं चाहता हूँ कि तू बाजी प्रभु देशपांडे जी की, वो सरप्राइज की यार जहाँ एक कलाकार की एक पर्टिकुलर रोल के अंदर एक्सेप्टेंस हो चुकी है, लोग मान चुके हैं, लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं, तमाम मीम सुनी तो होगा लेकिन बहुत सारे इंस्टाग्राम पोस्ट थे जहाँ जब भी छत्रपति जी की बात होती थी तो मेरी फोटो या एक वो पिक्चर सामने आती थी, उसमें ये व्यक्ति ये इंसान आता है मुझे पूछता है कि आप बाजी रोल देशपांडे की भूमिका करोगे बिकॉज मैं हिंड के ऊपर कहानी बना रहा हूँ। तो मैं बिल्कुल ऐसा था कि अरे ये तो कमाल हो गया, ये इसका विजन बहुत ही तगड़ा है। और वहाँ से इस जर्नी की शुरुआत हुई और फिर जो कष्ट दिए गए हैं वो आपको रिपोर्ट भेजूंगा।